कोलकाता में छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है। आपको ये भी बता दें कि टीईटी अभ्यर्थियों का ये विरोध है, प्राइमरी शिक्षा बोर्ड ऑफिस पर ये प्रदर्शन हो रहा है। पूजा मेहता हमारे साथ जुड़ी है। पूजा बताइए, इस वक्त वहां पर वहां की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। बिल्कुल पयोधी, आपको तस्वीरों में दिखाते हैं, लगातार जो है शिक्षा घोटाले के बाद चार दिनों तक जो कैंडिडेट्स थे जिन्होंने टेट की परीक्षा दी थी वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन बीती रात एक मिडनाइट ऑपरेशन के बाद जो है पुलिस उनको हटा देती है वहां पर उनका विरोध प्रदर्शन करते हुए। और उसके बाद ये कहा जाता है कि हाईकोर्ट का ऑर्डर है, जिस दफ्तर के सामने वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जो बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन है उसके इर्द गिर्द जो है धारा 144 लागू होती है, इसलिए वो धरना प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। तो देर रात को ये अपने घर में जो दो एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सारे प्रदर्शनकारियों को हटा दिया जाता है और उसके बाद आज देखिए एसएफआई के कार्यकर्ता जो है वो उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर लगातार चार दिनों तक विरोध प्रदर्शन हो रहा था। और अभी पुलिस की तरफ से उन्हें कहा गया है कि वो यहां पर धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, उनके पास अनुमति नहीं है, इस इलाके में धारा 144 लागू होती है, इसलिए वो यहां पर धरना नहीं दे सकते हैं, प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद आप देखिए पुलिस की वैन यहाँ पर लाई गई है और जो प्रदर्शनकारी यहाँ पहुंचे थे जो कार्यकर्ता शिक्षा घोटाले के बाद से ये जो प्रदर्शन है इस वक्त छात्रों का, टेट के परीक्षार्थियों का ये प्रदर्शन हो रहा है। तरह से हाथापाई हो रही है पुलिस के साथ, इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए, हिरासत में बस में भरा जा रहा है पुलिस के जरिए, लेकिन किस तरह से स्टूडेंट के साथ बर्ताव कर रही है पश्चिम बंगाल की पुलिस, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे खदेड़कर बकायदा उन्हें बस में भरा जा रहा है, फिर चाहे वो महिला स्टूडेंट है या फिर आप देखिए किस तरह से, आप ये देखिए कैसे पुलिस लेकर जा रही है। पूजा लगातार हमारे साथ बनी है। पूजा, पुलिस का ये रवैया भी देखने को मिल रहा है कि समझाइश के बजाय कैसे खदेड़कर बस में भरा जा रहा है प्रदर्शनकारियों को। देखिए पयोधी, आपको बता दें सुबह से लगातार उनको कहा जा रहा था कि वो इस इलाके में धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं क्योंकि धारा 144 लागू होती है, और उसके बाद पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो इस सड़क पर बैठ जाते हैं, यहाँ पर वाहनों की आवाजाही बिल्कुल ठप हो जाती है। पुलिस की तरफ से लगातार उनको रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो सड़क से उठ जाए और अगर प्रदर्शन करना है तो कहीं और करें ताकि यहाँ पर व्हीकुलर मूवमेंट फिर एक बार नॉर्मल हो जाए और साथ ही धारा 144 का जो उल्लंघन हो रहा है वो ना हो, क्योंकि इस इलाके में धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी जब वो नहीं हटते हैं तब पुलिस यहां पर फोर्स यूज करके उनको हिरासत में लेती है। बनी रहिएगा, आपसे फिर से अपडेट लेंगे, आपसे फिर से अपडेट लेंगे। तस्वीरों के जरिए हम बता रहे हैं किस तरह से पुलिस ने पहले समझाने की कोशिश की और सुबह से यहां पर छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इस इलाके में धारा 144 है इसी का उल्लंघन माना गया, और फिर अब जब पुलिस को इन्हें बस में भरकर हिरासत में ले लिया है पुलिस को। ये अपने घर में जो दो एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।